वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। एंड मैं फटाफट से आ गई हूँ अभी रूम पे। अभी बज रहे हैं 6 एंड आज है, और पिछले दिनों आपने देखा था मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी, तो हमने सबको पता चल गया होगा कि मैं क्यों कर रही थी। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मैं 8 महीने बाद जा रही हूँ अपने घर। एंड जाने का ऐसा कुछ था नहीं इतनी शॉर्ट नोटिस पे, बट कुछ चीज़ें थी जैसा बताया, कुछ अर्जेंट काम था, बट समहाउ वो चीज़ अभी नहीं हो पाएगी। और टिकट मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, सो मैंने सोचा चलो इतना टाइम हो गया तो 2 दिन के लिए होके आते हैं, तो माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। दैट्स इट। तो मैं अभी फटाफट से आ गई हूँ ऑफिस से, अपना लगेज वगैरह रेडी कर लिया है मैंने। मैं बस अभी चेंज करूँगी, फटाफट से चेंज करके बस मैं अभी निकलूँगी एयरपोर्ट के लिए, बिकॉज संडे है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। सो इट्स बेटर कि मैं एयरपोर्ट में जाके रुक जाऊँ, ना कि यहाँ पे और लेट हो। तो आई प्रेफर कि मैं एयरपोर्ट पे जाके ही वेट कर लूँ थोड़ा। फ्लाइट में तो अभी टाइम है, बट स्टिल फटाफट से बस चेंज करने मैं ऑलरेडी रेडी हूँ। मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बस चेंज करके निकलूँगी, और जो भी होगा इसी व्लॉग में अभी कंटिन्यू चलेगा, देखते हैं। सो मैं बस 2 दिन के लिए जा रही हूँ, बाय द वे गाइस, सिर्फ 2 दिन के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि 2 दिन प्रॉपर मिल जाए मुझे वहाँ पे, इसलिए मैं अभी ही निकल जाती हूँ। सो इसलिए मैंने आज रात का फ्लाइट करवाया है ऑफिस से आके। सो चलिए चलते हैं, आपको भी मिलवाते हैं। और ये मेरा लगेज जो ऑलरेडी मैंने रेडी कर लिया है, आपको मैं दिखाती हूँ। सो 2 दिन का रिफ्रेशमेंट बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये पहले मेरा लगेज, आप देख, ये है मेरा लगेज, मैं बस ये लेके जा रही हूँ, बट इस बार आई थिंक मुझे ये वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। एंड जस्ट मेरा ये बैग, ये मैं रिटर्न लेके आऊँगी। सो ये बैग मैंने ऑलरेडी पैक कर लिया, और ये ना दिस इज़ सो गुड, ये इतना अच्छा क्वालिटी है, और ये मैंने 4 मीनार से लिया है। तो आपको लेना है तो आप चेक कर सकते हैं, बस वही है कि आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ जाता है। एंड कल रात को, परसों तो बर्थडे सेलिब्रेट किया, कल रात भर हम लोगों ने ये किया, मेहंदी लगाई थी मैंने रात को, ला के रखी थी, तो मैं सोचा अभी लगा लेती हूँ, और दैट्स इट। तो चलिए चेंज वेंज करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी फाइनली, एंड अब मैं बस कैब बुक करूँगी। कैब बुक किया है, वो आ रही है, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी, और फिर जो ब्लॉग में आपको आगे देखेगा। सो मैं फटाफट से रेडी हो गई, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने चेंज किया है, दैट्स इट। सारी पैकिंग मैंने कर ली थी, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने अभी डाल दी है जो मुझे रखनी थी याद से, बाकी तो अब अगर कुछ छूटा तो छूटा फिर नेक्स्ट टाइम से। और अभी मेरे रूम पे कोई भी नहीं है, सबसे ऑलरेडी पहले ही मिल चुकी हूँ, बिकॉज सब अपने अपने सब बाहर गए हुए हैं, अगर किसी की ऑफिस है तो है। तो मैं आज जल्दी आई हूँ और मैं अब बस निकलूँगी, और ये बहुत ही सिंपल सा मेकअप किया है मैंने, कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताना, बहुत ईजी। मुझे ये लुक, ऐसा लुक बहुत पसंद है जो आपके फेस को इन्हेंस भी कर दे, और इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको यूज़ ना करना पड़े, तो मैंने वही किया है। मेरी मेहंदी कैसी लग रही है मुझे वो भी बताइए, और मैं बस अब फटाफट से निकलूँगी कैब में। सो क्योंकि इस एरिया में ना, जहाँ पे मैं हूँ, ये एरिया में बहुत ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो इसलिए मैं अभी जस्ट फटाफट से निकलूँगी, दैट्स इट। एंड चलिए आपसे मिलते हैं, और जो भी होगा इसी व्लॉग में मैं दिखाऊंगी। सो फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गई, और यहाँ पे क्योंकि मेरा लाइन बहुत थी तो मैंने सेल्फ चेक इन किया, और यहाँ पे बात ये हुई कि मेरी जो लगेज है वो 16 किलो हो गई 15 किलो की जगह, तो फिर मुझे दूसरा बैग निकाल के उसमें डालना पड़ा कपड़े। सो फाइनली सारा प्रोसेस कंप्लीट करके पहुँच गई एयरपोर्ट में। ओके सो अब जा रही हूँ अपने गेट के पास, और देखते हैं भूख लग रही है, कुछ करते हैं। फाइनली बोर्डिंग हो गई, ओह ऑलरेडी फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया हमने, और लाइट्स ऑफ हो गई हैं, और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। उसके पहले मैं ये क्या कर रही हूँ मुझे खुद अभी एडिटिंग के टाइम पे याद नहीं आ रहा,
सो लाइट्स ऑफ होते ही ऑटोमेटिकली मुझे और नींद ये आ जाती मैं है। अपनी शक्ल ठीक करते हुए, क्योंकि मैं एक छोटा सा नैप ले लिया मैंने, क्योंकि रात की फ़्लाइट हो या फ्लाइट हो ना तो मुझे ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है, मुझसे और कुछ होता नहीं है कि अजीब सा फील होता है, तो मैं सो गई थी। और अब फाइनली इतने टाइम के बाद 2 घंटे का सफ़र हुआ ख़त्म और अब हम लैंडिंग करने वाले हैं, इसलिए मैं एक्साइटमेंट भी थी, खुशी थी शक्ल पे। सो कुछ इस तरीके से बाहर का नज़ारा देखते देखते फाइनली कोलकाता दिख गया। और जब आप लंबे टाइम के बाद आते हो ना, तब सच में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और अच्छा लगता है। और ये रहा कोलकाता, और रात में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देखो आप। और इतनी टाइम के बाद मिली अपनी फैमिली से, और मम्मी और भाई ये लोग 1 घंटे 1.5 घंटे से आके बाहर बैठे हुए थे एयरपोर्ट में, क्योंकि रात की फ़्लाइट थी और बहुत टाइम के बाद मिल रहे थे। और मम्मी मेरी बहुत पतली हो गई है, क्योंकि तबीयत ख़राब था बीच में, बहुत पतली हो गई है। और फिर कैब लिया हमने और निकल गए घर के लिए, और रात थी तो हम अपने घर नहीं, सीधा नानी घर जा रहे थे। और यूँ देखते ही देखते कोलकाता का नज़ारा, मैं तो चुपचाप से बाहर, सब रात में चुप थे और मैं तो बाहर ही देख रही थी, मतलब चुपचाप से। और ये पहुंच गए, अब हम अपने लगेज वगैरह निकाल रहे हैं भाई, और ये नानी घर आ गया, और ये मेरी नानी। कितना भी टाइम पे फ्लाइट हो, बैगेज वगैरह लेने में और निकलने में, फिर कैब करके आने में लेट हो ही जाता, और ये हम सब। और अभी ऑलरेडी रात के 2 बज चुके थे और नानी इतनी देर वेट कर रही थी।